भाई अभी जस्ट वहीं से टाइगर गया था। तो भाई अभी अभी हमें दो टाइगर दिखे हैं, भैया ने शूट कर लिए वो, और अभी मैं ऊपर से निकल के देखता हूँ दिख रहे हैं नहीं दिख रहे। अब जाने बाहर मत निकलो यार। तो गाइस देख सकते हैं आप टाइगर। हेलो, तो यार वेलकम हो गया आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। और जैसा कि मैंने आपको कल वाले ब्लॉग में बताया था कि आज हम लोग जंगल सफारी करने के लिए जा रहे हैं, तो अभी शाम के 4 बज चुके हैं और हम लोग जंगल सफारी में जाने के लिए रेडी हो गए हैं। हाँ, कर कर क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर, जो भी डांस कर रहा था वो तो करके दिखा। अरे एक बार थोड़ा थोड़ा सारा किस कौन सा वो, मैं तो पार्टी कर रही थी। मैं तो पार्टी कर रही थी, मुझे बंदर ने बुलाया, किन्ने चले किन्ने चले। तो फिलहाल यार देखो सीन ये है, मैं अकेले जा रहा था, मैंने सोचा अकेले जाएंगे तो मजा नहीं आएगा, तो मैंने राकेश को बुला लिया। राकेश आ गया है और हम दोनों भाई साथ में जाएंगे। तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं, पहला काम तो हमें ये करना है, पहले जाना है पेट्रोल पंप पे, पहले भराना है पेट्रोल। तो पेट्रोल पंप पे हम लोग आ चुके हैं, भरवा रहे हैं अभी पेट्रोल। उसके बाद हम लोग को जाना है भैया के पास, जिन भैया के साथ हम लोग जाने वाले हैं जंगल सफारी पे, तो उनके पास जाना है फिर। तो पेट्रोल हम लोगों ने भरवा लिया है और अभी हम जा रहे हैं संचित भैया को लेने, जिनके साथ हम लोग जंगल सफारी में जाने वाले हैं, तो अभी उनके घर पे जा रहे हैं हम लोग। तो आ चुके हम लोग भैया की गली के बाहर। तू क्या करना चाह रहा है? थोड़ा सही लगेगा। तो हम भैया की गली के बाहर आ गए, उनको कॉल करते हैं, बुलाते हैं उनको जल्दी से। भाई पोपट हो गया बेटा, सौरव जोशी ऐसा कॉपीराइट मारेगा ना तेरे ऊपर, तेरा पूरा घर जाएगा उसमें। तो संचित भैया आ चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं डायरेक्ट सफारी के लिए, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है, तो जानवर अब अच्छे से निकलेंगे बाहर, तो अच्छे से हम देख भी पाएंगे। तो भैया सीधे रोड से चल रहे हैं फिर पीलीभीत साइड से? सीधी वाला ये पूरनपुर वाले रूट में ही जाएंगे हम लोग। अच्छा अच्छा, मतलब से बजीरा मस्जिद से मिलेंगे। हाँ हाँ, 50-50% चांस है अगर बजीरा मस्जिद से हो जाती है तो हम लोग पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अदरवाइज हम लोग साइड से जंगल को शूट करेंगे। ठीक ठीक, देखो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अगर परमिशन मिल गई तो, वरना फिर पूरा जंगल तो पड़ा ही है। तो टाइगर रिजर्व वाले रोड में हम लोग आ चुके हैं, ये है सामने रोड और इसके साइड से ही पूरी नहर चल रही है ये, और भाई देखते हैं चल के कि हमें मतलब टाइगर रिजर्व में जाने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिलहाल तो उम्मीद तो है, भैया ने बात करी है जो वहाँ के DFO साहब हैं, उनसे बात करिए तो मौका मिल जाएगा, तो भाई मजा आ जाएगा टाइगर देखने में। और यार यहाँ पर रोड बहुत अच्छा आ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ अपनी कार के शॉट लेते हैं तो यहाँ पर सिनेमेटिक टाइप से। आगे की साइड हम लोग जा रहे थे लेकिन रास्ते में हमें देखी और प्यारी लोकेशन, तो हम लोग यहाँ पर रुके जाने के लिए, यहाँ पर चल के देखते हैं ऊपर। शायद पिछली बार हम आए थे तो वहाँ पर एक मचान भी है, मचान से जो मतलब सीन आता है पूरे एरिया का, तो उस पर भी चढ़ के देखेंगे। सामने वो जो आपको जगह दिख रही है मचान है जो, उसके ऊपर हम लोग चढ़ेंगे अभी जाके। भाई अभी जस्ट वहीं से टाइगर गया था उधर राइट वो में? सामने जो खाली जगह दिख रही है वहीं से गया था यार, हमने लेट कर दिया यार थोड़ा सा, पोपट हो गया यार। मतलब मैंने तो देख लिया, कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाया यार। फोन रखता ना, फोन पागल। अरे क्या करूं, यहीं पे था जस्ट, यहीं पे दोबारा दिख जाएगा अभी। चलो देखते हैं कि अब तो आगे दिख जाए। तो ये है सामने वो मचान, इसके ऊपर चढ़ते हैं चल के। अरे राकेश आगे बर्ड भी है यार, कुछ फोटो लेता हूँ उनकी। अभी चिड़िया अलग स्पीसीज की जो मतलब माइग्रेशन करके आती है यहाँ पर, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। अरे वो देख मोर, वो गया वो गया वो गया, देख निकल गया, दिख तो सब रहा लेकिन कैप्चर नहीं हो पा रहा कुछ भी। हो गया कैप्चर, हो गया मोर तो हो गया कैप्चर। क्या यार चार सीढ़ियाँ चढ़ने में थक गया तू है? चार सीढ़ियाँ चढ़ने में थक गया तू, मुझे देख, कुछ नहीं होता है भाई। भाई नज़ारा यहाँ से एकदम प्यारा है भाई। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से नीचे उतर रहे हैं और जा रहे हैं जंगल सफारी की तरफ, देखते हैं भाई आज सफारी करने का मौका मिलता है या नहीं मिलता है, और अगर मिलता है तो हमें कौन कौन से जानवर देखने को मिलेंगे। एक तो साथ में लाया हूँ फिलहाल मैं, शेर, शेर, शेर नहीं बब्बर शेर। अरे शेर नहीं हो गया, छोड़ भाई। आप लोग कमेंट करके बताओ ये कौन सा जानवर है, खुद को शेर बोल रहा है ये, आप लोग बताओ कमेंट करके। उनके बोलने से उतना जाएगा? हो जाएगा भाई, जो बोलेगा भाई आप लोग बताओ, जो बोलेगा वो खुद ही होगा, सो आप कर लो। आप लोग बताओ शेर है या सुअर है, कमेंट करके बता दो ठीक है। कमांडो हमला। भाई हम लोग मजाक नहीं कर रहे हैं, ये जानबूझ के नहीं चल रहा है ऐसे, इसके पैर में चोट लगी, दिखा पैर दिखा। अरे नहीं दिखा, ये देखो इसलिए भाग रहा है ये, भाग के दिखा जो कैसे भाग रहा है तू।
तो अभी हम लोग कॉम्पिटिशन कर रहे हैं कौन ऊपर पहले पहुंचता है। जा अच्छा ये भी निकल गया। अरे तू तो थक गया। मैं नहीं थका। बिल्कुल नहीं थका। तू थक गया। तो भाई अभी अभी हमें दो टाइगर दिखे हैं, भैया ने शूट कर लिए वो, और अभी मैं ऊपर से निकल के देखता हूँ दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं। गायब हो गए। दिख रहे हैं कहाँ है? अरे ये भाई सब जने बाहर मत निकलो यार। तो गाइस देख सकते हैं आप टाइगर। एक और भैया, ये देखो ना, एक नहीं दो, वो देखो दो टाइगर आज आपके सामने। आप अंदर बैठो, जाके अंदर बैठो, चार रहे हैं। फोन दो। ये चीते हैं क्या? टाइगर है, बाघ बाघ। क्या हाल है? हाँ अंदर से करूँ। हाँ हेलो हेलो हेलो। तो यार जिस काम के लिए हम आए थे हमें टाइगर देख चुका है। तो भाई गर्मी बहुत लग रही है, ये मत सोचना डर के मारे पसीना आया मुझे, गर्मी की वजह से आया है। ठीक है, बस थोड़ा सा डर लग रखा है राकेश को, है ना? पेड़ के पास देख, पेड़ के पास, पेड़ के पास। डर गया यार, अंदर घुस गया। कहाँ पे टांग खा जाएगा भाई, ट्रेनिंग भी करनी है। चलो आगे चलें। अभी तो और देखेंगे, अब चले गए भाई। तो भाई अभी हम लोग फिर से वापस जा रहे हैं देखने के लिए कि अब तो हमें टाइगर एक और बार दिख जाए, लेकिन अब मुश्किल है, शायद घनी झाड़ियाँ हुई हैं तो मुश्किल ही दिखेगा अब। अभी हम लोग फिर से उसी प्लेस पे आ चुके हैं जहाँ पर हमें टाइगर दिखा था, और जो मंकी है वो अभी भी बार बार कॉलिंग दिया जा रहा है, तो इसका मतलब टाइगर अभी भी यहीं कहीं आसपास है। तो देखते हैं भाई बंदर का फोन है क्या, फिर से दिखता है नहीं दिखता है। भाई ऐसा तो नहीं है राकेश, इसको खांसी हो गई हो बंदर को। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आगे की तरफ इसी उम्मीद में कि हमें और टाइगर देखने को मिल जाए। अगर टाइगर नहीं भी मिलेंगे तो शायद हमें हिरन देखने को मिल जाए या और भी जानवर देखने को मिल जाए। तो अभी हम लोग आ चुके हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व के चूका पॉइंट पे। फिलहाल अब क्या करना है फिर? अभी हम लोग चल रहे हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व के ऑफिस में। लेकिन भाई जो हमारा मेन काम था, जिस काम के लिए हम लोग आए थे टाइगर देखने, वो तो हमें दिख गया, और सामने कुछ ऐसा माहौल हो रहा है। और जो ये जितने भी पुल दिख रहे हैं लाल पुल आप, हाँ, ये ब्रिटिश कालीन पुल हैं, हाँ, और एक तरह से बहुत ज़्यादा सुंदरता को बढ़ाते हैं पीलीभीत टाइगर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो पुल हैं, जितने भी पुल हैं सारे, अभी भैया ने भी बता दिया, ये सब अंग्रेज़ों के टाइम के बने हुए हैं। और अभी फ़िलहाल यहाँ पर बहुत से लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन सफारी अभी चालू नहीं है। भाई हमें बाघ तो दिख गया था और साथ ही साथ हमें तेंदुआ भी दिख गया। तेंदुआ कौन सा जानवर के साथ खड़ा है ये? चलो फिलहाल पानी पी के आते हैं यार, बहुत प्यास लग रही है। आपने देखा ही होगा हमारा कितना पसीना बह गया, अब पानी पीते हैं चल के। भाई फ्रिज में इतना ठंडा पानी नहीं आता वो जितना इसमें आ रहा है। चल चल। और यार अगर हम लोग को आगे जाने का मौका मिलता भाई, सामने कितनी प्यारी लोकेशन आ रही है, बट क्या करें यहाँ पे जाने का मौका मिला ही नहीं, थोड़े से लेट हो गए यार हम लोग। यार अभी हम लोग रास्ते में जा ही रहे थे और हमें पूरा हिरन का झुंड दिखा है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। भाई कैमरे में ठीक से दिख नहीं पा रही है, लेकिन हिरन पूरा झुंड है यहाँ पर सामने। अगर ऊपर से दिखाऊँ तो तब भी नहीं दिख रही है भाई, इनका कलर ऐसा है पूरी घास के साथ कैमोफ्लाज हो गई है ये। तो मित्रों देख सकते हैं फुल्ली ग्रोन हिरन, देख सकते हैं आप सामने फुल्ली ग्रोन बारहसिंगा। अभी हम लोग आ चुके हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व की, जहाँ से मेन सफारी होती है उस जगह पर आ चुके हैं। पूरे यहाँ पर सबके गवर्नमेंट के क्वार्टर बने हुए हैं, सब लोग यहीं पर रहते हैं। सामने बना है सर है, मतलब अभी हम लोग यहाँ के हेड सर से मिलने जा रहे हैं और उनसे परमिशन लेने जा रहे हैं कि अगली बार अगर हम अगले संडे को आते हैं, कभी भी आते हैं, तो अंदर जाने की परमिशन मिल जाए। तो जिन सर से हम लोग मिलने आए थे परमिशन लेने के लिए, वो सर तो यार हमें मिले नहीं, वो कहीं बाहर गए हुए हैं गश्त पे, तो हम लोग को खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। फिलहाल अभी रात हो गई है, ऐसा कुछ दिखाने लायक बचा नहीं है, तो हम लोग अब घर ही निकलेंगे डायरेक्ट। पहले मैं राकेश को इसके घर छोड़ूंगा और फिर बाद में अपने घर चले जाऊंगा। तो चलो फिलहाल अब घर निकलते हैं डायरेक्ट। चलो भाई ठीक है फिर। चल ठीक है, जा निकल यहाँ से, कल मिलेगा।
कहाँ चलेगा बता, कल जा तू ले जाएगा। चल ठीक है। तो यार अभी मैं आ गया हूँ अपने स्टूडियो में वापस, और भाई आज का दिन एकदम एडवेंचर वाला हो गया। वैसे हमें उम्मीद थी नहीं कि हमें टाइगर ऐसे अचानक से देखने को मिल जाएंगे, लेकिन हमें टाइगर दिख गए, तो भाई ये अच्छा हो गया। बाकी यार हम लोग घर पे तो आ गए हैं, और अभी मुझे करनी है अपने मेन चैनल की एक वीडियो की शूट करना है, कल 10 बजे तक वीडियो पब्लिक करनी है मुझे, तो भाई उसमें लग जाऊंगा आप में। तो इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। अगर अच्छा लगा वो ब्लॉग तो लाइक जरूर करना, बाकी मिलते हैं अगले ब्लॉग में, ठीक।